देख रहे हो आजकल के बच्चों का टैलेंट? नहीं साला इतने लोग खड़े हैं फिर भी किसको रिप्लेस कर दिया यार। नहीं भैया मुझे तो ये लग रहा है अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो वो वाला कांड भी हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। अरे इन्हीं को ले लो, हमारे अक्षय कुमार भैया को पता नहीं कहाँ रिप्लेस कर दिया, मैं तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। देखो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। भैया टैलेंट तो कूट कूट के भरा है हमारे देश के लोगों में, बस थोड़ा सा ज्यादा कूट गया है ना तो सीधे सीधे बाहर नहीं आ पा रहा है, दूसरे रास्तों से आ रहा है। देखो यार तुम उस लड़की को गलत समझ रहे होगे, वो लड़की गलत नहीं है, वो आपने गिरना तो सुना ही होगा, गिरना कोई जैसे छत से गिर जाता है, कोई फिसल कर गिर जाता है, लेकिन भैया कोई नेचर से भी गिर जाता है। तो भैया ये नेचर वाले ही हैं, बेचारी लड़की की क्या हालत की है इन लोगों ने। देखो हर पल मेरी याद तुम्हें तड़। अब मैं भैया आपको दिखाऊंगा इंडिया का वो टैलेंट जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। भैया पहले नंबर पर आते हैं वो महान व्यक्ति जिनके टैलेंट से मुर्दे तक कुत्ता बनकर भौंकने लगते हैं। देखो मैं मारूंगा सारे को ये भौंकेगा। तो भैया इन लोगों की हरकतें देख के हो गए ना आप सबके खड़े। कान यार कान की बात कर रहा हूँ भैया, ज्यादा चौंको मत, कुछ सीखो इन लोगों से। देखो ना दिन दिहाड़े कांड कर रहे हैं, हमसे छिपके भी नहीं होते। देखो टैलेंट के मामले में हमने दूसरे नंबर पर उस टैलेंटेड व्यक्ति को रखा है जिसका टैलेंट देख के आप हैरान रह जाएंगे। मतलब वो विषम परिस्थितियों में जिंदगी जी सकता है, मतलब आपको ठंड में ठंड लगती होगी लेकिन भाई साहब उस बंदे को गर्मी लगती है, उसका पसीना छूटता है। देखो भाई इनको ज्यादा गर्मी लग रही है, वैसे कौन सा थर्मामीटर की बात कर रही है। यार कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, और दूसरे लोगों को भी देख के लगता है कि वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने चक्कर में जिए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब इस बंदे को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए भाई साहब गहने तक नहीं खरीदे, अंगूरों से ही काम चला रहा है। देखो मैं बार बार घूंघटा ना खोल वो राजा, मैं बार बार घूंघटा। अबे साले यार कभी कभी मुझे लगता है कि कोई हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या पता कर रहा हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा हो, है नहीं? जैसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश के हित में हो रहा है या हमारा काटने के। देखो यार हम ना लोगों की फीलिंग नहीं समझ पाते, वो इनडायरेक्टली हमारे लिए या देश के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। जैसे कि यही बंदा लड़कों का मन बहलाने के लिए बेचारा लड़की डांस तक कर रहा है। देखो तो भैया फीलिंग को समझो, सामने वाला बोल क्या रहा है तब रिएक्शन दो, लेकिन हम तो समझ लेते हैं, लेकिन ये लड़कियां ना हमसे बहुत आगे हैं, इतनी देर में ये रिप्लाई दे देती हैं, इनसे अगर कोई टेढ़ी बात कर लो तो ये सीधे पॉइंट पर ही पहुंच जाती हैं। देखो यार मुझे ना कुछ बड़ा करना है। अबे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है मुझे, लाइफ में बड़ा आदमी बनना है मुझे, गंदी सोच। भाई साहब लड़कियों के दिमाग में ना एक ऐसी बात बैठ गई है, एक ऐसी थीम उनने रख ली है कि लड़के अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनका मेन पॉइंट वही है, समझे ना। भैया मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा हमारा भी ईगो होता है, हम उसी पे नहीं मरना चाहते, समझे। सुन आज मेरा बर्थडे है तो देगी क्या? शक्ल देगी, देगी क्या? पार्टी की बात कर रहा हूँ, जाहिल हो रहा। तो भैया लड़के प्लीज सुधर जाओ और ये उल्टी सीधे हरकतें करना बंद करो लड़कियों के चक्कर में। यार मैं तो ये कह रहा हूँ लड़के कब सुधरेंगे यार। देखो तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा मैं।
बता रहा हूँ भाई साहब, इन लड़कियों को बेड़ा गर्क हो गया है। इन लड़कों के यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी हॉट के चक्कर में भाई साहब। भाई साहब अगर कोई लड़का किसी लड़की से ये बोल दे कि तुम तो बहुत सुंदर हो, भाई साहब तुम तो पढ़ाई गई तेल लेने, पूरे पूरे दिन वही ख्याल आते हैं और वैसे भी देख लो पढ़ाई तो तेल ही लेने गई है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हम जीडी कॉलेज अलवर में हैं। आपका नाम बताएं और ये बताएं कि गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था? मेरा नाम नेहा प्रजापत है। गणतंत्र दिवस को और भाई साहब ये लड़के तो उनसे भी बड़े महान हो गए, इनकी महानता का वर्णन मैं कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब बंदा गोबर सूंघ के बता दे रहा है कि वो असली है नकली है। देखो असली है। और भाई साहब कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि उन्हें लड़कियों ने बर्बाद किया है। अरे एक बात बताओ, ताली एक हाथ से बच सकती है क्या? ये जो लुच्चे हैं जो अपने आप को बर्बाद बता रहे हैं, इनमें लड़कियों का कोई हाथ नहीं है, इनका खुद का हाथ है। देखो हर कामयाब बंदे दे पीछे एक औरत दा हाथ हुंदा है ते कमजोरी पीछे अपना ही हाथ हुंदा है। और भाई साहब एक बात और सुनो इन लुच्चों की, नहीं लड़की कह रही है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसका पीछा छोड़ दो नहीं तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। नहीं ये तो बर्बाद होने पे भी तो ले, ये तो एक तरफा प्यार करेंगे। हद तेरी बहन का साला। देखो मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। नहीं इनसे बस गप्पे मरवा लो पूरे दिन, मूवी की, पबजी की, पॉलिटिक्स की, और अगर कोई काम दोगे ना तो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। देखो नहीं ये लुच्चे पता है कैसे होते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि साइंटिस्ट वो बनते हैं जो हर बात में क्यों ढूंढते हैं, तो भैया उस दिन से क्यों हुआ कैसे हुआ हर बात पे शुरू कर देते हैं यार। अब तो तब हो गए जब ये बंदा यहाँ तक पहुँच गया यार। देखो ये बताओ पापा कि जूस की मशीन में फल डालते हैं तो जूस निकलता है, ये सवाल है? नहीं ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता हो? हाँ है ना, तो उसी मशीन का तो फल है क्या? और भाई साहब इनको जरा सी बात पता लग जाए ना तो ये इतने बड़े ज्ञानी बन जाते हैं ना, हर किसी को ज्ञान बांटते फिरते हैं यार। ये समझते हैं हमने कितना बड़ा तोप मार दिया, सही ढंग से उसका मीनिंग अगर पूछ लिया तो बता नहीं मिलेगा। देखो भाई पहले ना यार मैं बहुत कमजोर था। अच्छा? हाँ, फिर ना मेरी पड़ोसन मुझसे बोली कि तुम दूध पिया करो, अब ना मेरी पड़ोसन कमजोर हो गई। और जब इन लौंडों की शादी हो जाती है ना और जो लोग कहते हैं कि बीबी उनकी मारती हैं, भाई साहब वो लौंडे इन्हीं में से होते हैं, कुछ बन के थोड़ी नहीं आते हैं कहीं से। एक्चुअली में ये अपनी हरकतों से कभी बाहर आते ही नहीं है, बीबी चाहे कितना भी मारे। और भाई साहब इनके लिए बीबी से पिटना तो एक आम बात हो जाती है, पिटते पिटते भाई साहब इतना बेशरम हो जाते हैं ना आप सोच नहीं सकते। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और दबा दो बेल का आइकन ताकि सारी वीडियो आपको मिल सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आईडी है सुनील यूट्यूबर। ठीक है करंट, दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो।